आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी और आपकी इन्हीं तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। आज यहाँ झारखंड की राजधानी रांची के इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में सरकार के 2 साल पूरे होने के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री रमेश बैस जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरपीएन सिंह जी, हमारे सरकार के मंत्रिमंडल में हमारे साथ सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भाई शशांक सरकार भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित विधायक पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, उपस्थित यहाँ विधायक राजेश कच्छप जी, हमारे साथ उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित सरकार के सभी पदाधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित लाभुकगण, उपस्थित यहाँ सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे महागठबंधन के हमारे सहयोगी साथीगण, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का इस 2 साल के पूरे होने के शुभ अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। २९ दिसंबर आज सरकार के पूरे 2 साल हो गए और इन 2 सालों में हम सभी लोगों ने कई चीजों को बहुत करीब से देखा, कई चीजों का अनुभव भी हमें हम सब लोगों को मिला, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो,
ये दो साल हम सब लोगों को प्रभावित किया। और इन दो सालों में तो लंबे समय तक लगभग पूरी दुनिया थम सी गई थी, लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि पूरा दुनिया एक वैश्विक समस्या से गुजर रहा था। और उस वैश्विक समस्या का ना जान ना पहचान ना शक्ल ना सूरत थी। और उस समय यही एक उपाय था कि सब लोग अपने अपने घरों में बंद रहें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं कोरोना का संक्रमण। आज भी हमारे साथ साथ चल रहा है, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। और आज भी इस वैश्विक समस्या को देखते हुए हम लोगों ने आज इस दो साल को सावधानी पूर्वक पार करने का प्रयास किया है, बहुत सीमित लोगों के साथ। हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं और ये दो साल हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर संस्था के लिए एक चुनौती भरा रहा है। और जिस जिस की जिम्मेवारी जैसे जैसे होती है वैसे वैसे चुनौतियां भी रहती हैं। किसी घर के मुखिया के ऊपर उसके घर को चलाने की जिम्मेवारी होती है, मजदूर को रोज मजदूरी करके अपने पेट पालने की मजबूरी होती है, बड़े छोटे मझोले संस्थाएं उद्योग बिना मैन पावर का, बिना मजदूर का कैसे चले, यह भी चुनौती रहता है। उसी प्रकार सरकार जो पूरे राज्य की चिंता करती है, वो राज्य कैसे चले, उस राज्य के रहने वाले जनमानस कैसे सुरक्षित रहें, किसान कैसे सुरक्षित रहें, मजदूर कैसे सुरक्षित रहें, व्यापारी प्रतिष्ठान कैसे चल पाए। इंसान तो इंसान, जानवरों के प्रति भी सरकार की जिम्मेवारी बनी रहती है। और झारखंड तो वैसे पिछड़े राज्यों में ही अभी तक गिनती में है। ऐसे स्थिति में ऐसे विश्व समस्याएं, वैश्विक समस्याएं, ऐसे महामारी, ऐसे राज्यों के लिए जहां मजदूर, गरीब, किसान अधिक मात्रा में हो, उनके लिए ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी दौरान हम लोगों ने इन दो सालों में पूरी सरकारी महकमे, पूरा कार्यपालिका, जहां पूरा राज घरों में बंद था, हाट बाजार दुकान गाड़ी मोटर सब बंद था, हम सब लोग घरों में इस वैश्विक महामारी के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। उस समय ये सरकार इस राज्य के जनमानस के लिए नित कार्य योजना रोज चिंतन मंथन करने में लगी रही। और जैसे ही थोड़ा सा हमें हलचल होने का मौका मिला, जैसे ही हम लोगों ने थोड़ी सी चहलकदमी शुरू की, थोड़ी सी हम लोगों को
आने जाने का एक सावधानी पूर्वक रास्ता मिला। तो जो कार्य योजना इस राज्य के लोगों के लिए, इस राज्य के लिए, इस राज्य के हर वर्ग के लिए जो हम लोगों ने बनाए थे इस संक्रमण काल में, उसको धरातल पर उतारने का हम लोगों ने तेजी से प्रयास किया। डेढ़ साल लगभग हम लोगों ने हाथ पे हाथ धरे बैठने में हमें मजबूर होना पड़ा। समय तेजी से गुजरता है और समस्याएं अनेक होती हैं। इसको लेकर हम लोगों ने तेजी से शहर से लेके गांव तक हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है। और इसी को लेकर स्थापना दिवस के दिन से आपका अधिकार, आपका सरकार, आपकी आपका द्वार कार्यक्रम शुभारंभ किया गया, जो पहले आम तौर पर ब्लॉक कार्यालय, जिला हेडक्वार्टर, राज्य के हेडक्वार्टर से हम सब काम करते थे। अब हमारा पूरा महकमा आज गांव में है, पंचायतों में है, आपके दरवाजे पर है। आज उन जगहों पर भी सरकार की नजरें पहुंची हैं जहां कभी उन जगहों के लोग उम्मीद नहीं करते थे कि यहां कभी सरकार का कोई पदाधिकारी आएगा। सरकार की नजरें पहुंचेगी, सरकार की आवाजें पहुंचेगी। नजरें और आवाजें तो छोड़िए, योजना भी कभी उनको नहीं मिला। आज उन जगहों पर हमारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, विधायकगण, मंत्रीगण, सांसदगण कोई बैलगाड़ी से, कोई ट्रैक्टर से, कोई मोटरसाइकिल से उन जगहों पर पहुंचकर हम अपने ग्रामीणों के दरवाजे पर योजना पहुंचा रहे हैं। हमारे पूर्ववक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं संक्षिप्त करने की कोशिश करूंगा बातों को। आज इस मंच से हम लोगों ने कई लोगों को सांकेतिक रूप में परिसंपत्तियां बांटी। आज यहां इस मंच से लगभग 16,000 करोड़ की लागत की 1,550 लगभग योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया गया आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। इस तरीके से ये योजना सिर्फ आज नहीं, ये लगातार ये सिलसिला जारी है और ये आगे भी चलेगा। आज आपको इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से कई नए एमयू हम लोगों ने हस्ताक्षर किए सरकार ने कई कंपनियों के साथ। ये हस्ताक्षर मात्र नहीं है, आज सरकार कोई भी कार्य योजना बना रही है, इन योजनाओं का बहुत बड़ा असर इस राज्य को देखने को मिलेगा। आने वाले 20 से 30 साल तक के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं जिसका लाभ झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को मिलेगा। राज्य वैसे खनिज संपदाओं के नाम से चर्चित हमेशा रहा है और विगत 100 सालों से खनिज संपदा के इर्द गिर्द ही हम सब घूमते रहे, लेकिन इस राज्य को कुदरत ने खनिज संपदा तो दिया ही दिया है, बल्कि यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य की भी अपार भंडार है। आज इस राज्य में खिलाड़ियों की भी एक अपार भंडार है। अनेक क्षेत्र आज इस राज्य में ऐसे हैं
कि जिस क्षेत्र को कभी भी ना छुआ गया, ना कभी देखा गया, ना उसको प्रोत्साहित किया गया। आज खनिज संपदाओं की बात हम नहीं करेंगे, आज हम उन चीजों की बात करेंगे जिसको कभी अलग राज के बाद और अलग राज से भी पहले उन क्षेत्रों को कभी ना देखा गया होगा, ना कभी उसकी ओर सोचा गया होगा। आज इसीलिए एक पहला कदम के रूप में आज आप देखेंगे आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, इस मंच के द्वारा टूरिज्म पॉलिसी लाई गई, और आज आप सबको पता है कि झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य कितने बड़े पैमाने पर हो। आज हम खनिज संपदा के नाम से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के वजह से भी देश में अपना जगह बना सकते हैं। जिन जगहों को हम देखने के लिए लाखों रुपया खर्च करने के लिए जाते हैं, वो सभी चीजें हमारे इस राज्य में उपलब्ध हैं। आज हिमालय के जंगलों में जो पेड़ पाया जाता है, वो हमारे नेतरहाट के जंगलों में वो पेड़ पाए जाते हैं। जो चाय का बगान हम असम में देखते हैं, वो चाय का बगान भी हमारे इस राज्य में अवस्थित है, दुर्भाग्य से उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर से यह जीवंत हो सकता है अगर हम सब इसको अगर हम लोग ध्यान से आगे बढ़ाएं। तो ऐसे अनेकों चीज है, और इसलिए इस राज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आने वाला वक्त, आने वाला सालों में हम लोगों ने एक नया स्लोगन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, झारखंड ना अब रुकेगा ना झुकेगा, निश्चित रूप से झारखंड अब आगे बढ़ेगा। कई क्षेत्र में हमें काम करना है, कई समस्याओं का समाधान भी निकालना है। इन समस्याओं और कार्य क्षेत्र में कई ऐसी चीजें हैं जहां पर इस राज्य के लोगों को इस सरकार से अपेक्षाएं हैं, और इसी अपेक्षा के अनुरूप आपने देखा इस राज्य के लगभग 65,000 हमारे पारा शिक्षक जो आए पिछले वक्त 12 महीना में 11 महीना ये धरना प्रदर्शन करते रहते थे। और आज हमने लगातार सरकार और विभाग के मंत्री उनके साथ विचार विमर्श करते हुए सरकार के आंतरिक संसाधनों को भी ध्यान में रखते हुए और राज्य के आने वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने की एक संकल्प के साथ हम लोगों ने उनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करते हुए इस संकल्प के साथ उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है कि आने वाला समय 12 महीना में हमारे पारा शिक्षक 11 महीना स्कूलों में नजर आएंगे। और इसके लिए हमारे पारा शिक्षकों का जो 20 सालों से मांगे इनकी चली आ रही थी
कि 60 वर्ष तक की नौकरी वो भी पक्का हो गया, 50% का वेतन वृद्धि ये भी आपकी मानी जाएगी, अनुकंपा पर आपकी नौकरी ये भी हम आपके साथ हैं। जो आपकी सरकारी अवकाश की बात है वो भी हमारे हम आपके साथ हैं। ऐसे कई चीजें आप विश्वास रखें, ये सरकार हर समस्या का समाधान करना चाहती है, लेकिन समाधान नियम संगत हो, राजहित में हो और ऐसे समाधान निकाले जाए कि उस समाधान से राज पीछे नहीं बल्कि राज आगे जा सके। ये हम सब की जिम्मेवारी है, इसलिए हम जितने भी अनुबंध कर्मी हमारे राज्य में हैं, आंगनबाड़ी, नर्स वगैरह बहुत सारे अनुबंध कर्मी लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर समय समय पर आते हैं, हमें आपकी बात का संज्ञान है, आप चिंता ना करें, सड़कों पर उतरने से समस्या इस समाधान नहीं होगा, वार्ता करने से समस्या का समाधान होगा। आप हमारे पास आइए, आपके साथ सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए भी तैयार है। इससे राज का धरना प्रदर्शन और समय जाया करने से राज का विकास नहीं हो सकता, काम करने से राज का विकास होगा। और आज हम सब लोग जो इस राज को जो कभी सरप्लस बजट हुआ करता था, आज कर्जों तले दबा हुआ है। पूर्व की सरकार ने इतने कर्ज ले लिए कि कर्ज को चुकता करने में भी सरकार की हालत खराब है, लेकिन ये हालत नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम मिलकर सरकार के कदम से सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, सरकार भी आपको सहयोग करेगी, आप भी हमें सहयोग करें, मैं वो दिन दूर नहीं, ये राज की जो आंतरिक क्षमताएं हैं, अगर हम क्षमताओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये राज को देश के अग्रणी सीढ़ी पायदान पे हम पहुंचा सकते हैं। और आप देखेंगे ये राज जिस तरीके से हमारे अधिकार हमें ही नहीं मिल पाता, और इस राज की क्षमता ऐसी है कि अगर राज्य में अच्छी प्रबंधन, अच्छा और एक दूरगामी सोच के साथ और ईमानदारी सोच के साथ चले तो इस राज्य को भीख मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि ये राज्य दूसरे राज्यों को फंडिंग करने की क्षमता रखता है। हमारे कुछ जो विपक्ष के सहयोगी हैं ये लोग कहते हैं कि हम लोग महिला विरोधी हैं, महिला सशक्तिकरण के विरोधी लोग हम लोग, और ये कहते हैं जो महिलाओं को एक रुपया में 50 लाख की संपत्ति रजिस्ट्री करने का जो हम लोगों ने योजना चलाया था उससे महिला सशक्तिकरण हो रहा था, जिस योजना को हमने बंद कर दिया। ये योजनाएं अमीरों के लिए थी, गरीबों के लिए नहीं, और उन पैसों को बचाकर आज जरूरतमंद गरीब वृद्ध व्यक्तियों को, वृद्ध महिलाओं को पेंशन देना क्या महिला सशक्तिकरण नहीं है? क्या महिलाओं को हड़िया दारू में बेचने वाली महिलाओं को विकास के मुख्य धारा से जोड़ना महिला सशक्तिकरण नहीं है?
क्या विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का अधिकार देना महिला सशक्तिकरण नहीं है? ये फिजूल खर्ची चीजों को हमने बंद करते हुए उन लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाया है जिनको सबसे अधिक जरूरत है। कौन यहां के महिलाएं हैं जो 50 लाख रुपए का फ्लैट यहां पर खरीद सकता है? यहां का आदिवासी दलितों को तो कोई फ्लैट भी नहीं देता है। यहां पर एक रुपया में रजिस्ट्री क्या करेगा? कौन पिछड़ों को फ्लैट देता है? और ये 1 लाख रुपए अमीरों को बांटकर महिला सशक्तिकरण करने की बात करते हैं। आज इस राज्य की जो 20 सालों में जो स्थिति बनी है वो किसी से छुपी नहीं है। यहां आज भी ऐसे लोग हैं जिसको शरीर ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है, तन ढकने के लिए महिलाओं के पास कपड़े नहीं है। आज ऐसे भी गरीब यहां रहे जिनको 2 वक्त का अनाज भी ठीक से नहीं मिलता था। आज ऐसे भी यहां पर परिवार के लोग रहे जिनको एक साधारण सा पारासिटामोल की दवाई खरीदने की पैसे उनके पास नहीं रहे। लेकिन आज सर्वजन पेंशन के माध्यम से धोती साड़ी सोबरन धोती साड़ी योजना के नाम से चलाई जा रही योजना से के माध्यम से आज इस हर राज के हर व्यक्ति गरीब मजदूरों को जरूरतमंदों को साल में 2 बार तन ढकने के लिए कपड़े सरकार दे रही है। राशन कार्ड भारत सरकार के अनुकंपा के आधार पर आपको एक सीमित राशन कार्ड बांटने हैं। बेचारे भूखों की तो संख्या यहां बड़े पैमाने पर है। एक गांव में 1, 2, 4 राशन कार्ड आपको मिलेगा और बाकी गांव बेचारा टुकुर टुकुर देखता रहे। पेंशन भी वही हाल, एक पंचायत में 5 लोग 2 लोग 1 लोग को पेंशन मिलता था। वृद्धा पेंशन उसी तरीके से दिव्यांग को भी वही हाल, किसी गांव में मिला किसी को नहीं मिला, भटकते रहो। विधवा पेंशन का वही हाल, विधवा हो गया 18 साल में और उसको पेंशन मिलेगा 40 साल के बाद, वो भी कोटा में आप आएंगे तब पता चला कि आप 60 साल के बाद भी वो विधवा को मिलेगा कि नहीं, और 60 साल में विधवा का मिलेगा कि वृद्ध का मिलेगा ये समझ पाना बड़ा मुश्किल। हमने प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया था, क्या देश के खजाने में इतना पैसा नहीं कि इस देश के गरीब मजदूर बेसहारा को हम पेंशन दे सके, यूनिवर्सल किया जा सके? कोई जवाब नहीं आया। यहां की गरीबी यहां की बेबसी की आलम इतनी बढ़ रही थी कि हमने ये निर्णय लिया कि अब इस पेंशन को सर्वजन किया जाएगा, यूनिवर्सल किया जाएगा, जो देश का ये एक इतिहास बना। अब कोई गरीब कोई बूढ़ा बुजुर्ग वो आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी दलित पिछड़ा जो भी होगा अगड़ा पिछड़ा जितने लोग जरूरतमंद है सबको पेंशन ये सरकार देगी। आज आप देखिए गांव में बूढ़े बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान, दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान। आज सरकार दिन और रात जगकर इस राज्य के लोगों की सेवा में लगा है। आपने तो खबरों में पढ़ा है, आप लोगों ने व्हाट्सएप फेसबुक आजकल जो सोशल मीडिया का हम्बार चल रहा है, जो हमारी टांग खींचने में भी पीछे नहीं है, लेकिन कुछ लोग आज भी सच्चाई को उजागर करते रहते हैं कि रात में 2 बजे भी सरकार गरीबों के घर में जाकर के उनके लिए काम करती है।
ये सरकार सोने वाली सरकार नहीं है। और हमें बोला जाता है कि जो बीडीओ सीओ काम करता है वो आजकल मुख्यमंत्री करते हैं। क्या गरीबों का आंसू पोंछना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता? दुर्भाग्य है ऐसे सोचने वालों का, जो अच्छे कामों को भी नहीं पचा पाते। इसलिए आज कई चीजें हैं, अगर मैं बोलना शुरू करूं एक लाइन से तो बहुत लंबा फहरिस्त खड़ा हो सकता है। और आप सब लोगों को मालूम है कि यह राज भीख मांगने से नहीं मिला है, ना कोई प्रशासनिक दृष्टिकोण से मिला है, यह राज आंदोलन का उपज, यह शहादत का देन है। जैसे ये देश में अनेक लोगों ने शहादत दी तब ये भारत देश बना, उसी तरीके से अनगिनत लोगों का खून बहा तब ये झारखंड राज अस्तित्व में आया। शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, बहुल, ये राज जिन वर्गों का सदियों से शोषण होता रहा है, उन लोगों के लंबे संघर्ष का ये देन है कि ये अलग राज बना। लेकिन आज इस राज में जिस तरीके से आंदोलनकारियों को नजरअंदाज किया गया, जिस तरीके से खाना पूर्ति हुई, आज हम लोगों ने पुनः वो आंदोलनकारियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, आंदोलनकारियों को सम्मान देते हुए, जो पेंशन स्कीम तो चल रहा है वो चल ही रहा है, उनको मिलना ही है, बल्कि उनके आश्रितों को आने वाला समय में 5% का क्षैतिज आरक्षण भी सरकार देने के लिए घोषणा करती है। कई ऐसी चीजें हमारे सभी योजनाओं के बारे में लगभग हमारे आदरणीय मंत्रीगणों ने कह ही दिया और आप सब लोगों को लगातार इसकी जानकारी हम उपलब्ध भी कराते रहते हैं समय समय पर, कभी कैबिनेट के माध्यम से, कभी प्रेस वार्ता के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर हमारे नौजवानों के लिए जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग शिक्षा के दिशा में भी नई पहल करने जा रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर भी बहुत तेजी से सरकारी स्कूलों में भी काम चल रहा है और जिस तरीके से आप DPS और DAB में शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में, आज हमारे सरकारी व्यवस्था में भी अगले सेशन से हमारा लक्ष्य है कि इन्हीं के समतुल्य हम अपनी सरकारी स्कूल को भी बनाने जा रहे हैं और उसमें एडमिशन भी हम लोग बच्चों का कराने जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि हमारे कई लोगों ने तो इस राज्य के लोगों को बिल्कुल ही नागवार समाज रखा है कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के नौजवानों में नौकरी करने की क्षमता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, गवार हैं, इत्यादि बहुत तरीके से। और यही वजह था कि पूर्व के समय में बाहर से बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों ने नौकरियों में जगह बनाई और यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार को भी कहीं ना कहीं चोट पहुँचाया। इस बार हम लोगों ने पहली बार, ये भारतवर्ष का ये पहला स्कीम है जहां आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। आज कौन इन बच्चों को, कौन इन समूह को आगे बढ़ाएगा?
क्यों देश में ऐसे योजनाएं नहीं चली? क्या विदेशों में इन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या ये विद्वान बनकर के, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे सोच के लिए इनको अधिकार नहीं जो अपने हक अधिकार की लड़ाई मजबूती से रख पाए? आज इसीलिए इस सोच के साथ हमने एक पहले एक प्रयोग के तौर पर हम लोगों ने यहां पर आदिवासी बच्चों को 100% स्कॉलरशिप पर पहला लॉट में 6 बच्चों को विदेशों में भेजने का काम किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका दायरा हम और बढ़ाएंगे और भी वर्गों को इस नई स्कीम के साथ जो होनहार छात्र हैं उनको जोड़ा जाएगा। और इसके लिए एक और हमारे राज्य से एक आवाज उठती रही है और वो आवाज है जो बहुत ही वो भी अपने आप में एक अलग तरह का हुआ जो इस राज्य में लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही जाती है। मैं उन सभी कर्मचारियों को कहना चाहूंगा आप आश्वस्त रहें, आपके इस मांग पर पूरा सरकार गंभीर है और बहुत जल्द इस विषय पर भी हम लोग निर्णय लेंगे। किसान पाठशाला के विषय में आपको बताया ही गया होगा, इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अब समय के अभाव में बता पाना बड़ा कठिन होगा। हम लोगों ने विगत 2 सालों में लगभग 28 से 30 योजनाएं धरातल पर उतारी। हम लोगों ने इस राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी कानून पास किया, मॉब लिंचिंग कानून भी हम लोगों ने राज्य को दिया जिससे राज्य में एक भय और एक डरावना वातावरण, दहशत का वातावरण था, उस वातावरण को खत्म किया जा सके। ऋण माफी के बारे में आप लोगों ने किसानों से खुद ही सुन लिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय बात बोल के समाप्त करना चाहूंगा, बहुत जल्द हम अपने छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आने वाले हमारे होनहार छात्रों को आगे बढ़ने में आसानी होगी। आपने सुना होगा यहाँ पर बच्चों को लोन लेने में कई दिक्कतें आती हैं, खासकर अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। इसके लिए तो हम लोगों ने बैंक कर्मियों से बात भी की, लेकिन ना जाने उनको देखकर क्यों ऐसा लगा कि उनकी इच्छा ही नहीं है देने के लिए इन वर्गों को आगे बढ़ने का। आदिवासी दलित पिछड़ा इस राज्य में लगभग 50% है और 50% लोगों को आज इस राज्य का बैंक कोई सहयोग नहीं कर रहा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 50% लोगों को सहयोग ना करना राज्य को विकास के रास्ते पर बाधा डालने के बराबर है। इस विषय पर हम बहुत गंभीर हैं और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान भी हम लोग निकालेंगे और इसके लिए भारत सरकार हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, जो भी हो, इसमें कानून में जो संशोधन करना हो वो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ना हो तो उसके लिए लड़ेंगे। इसके साथ साथ अंत में आपको मालूम है देश में महंगाई किन स्तरों पर है,
और महंगाई का अगर हम लिस्ट टांगना शुरू कर दें तो मुझे लगता है इस पंडाल में झालर उलर ऊपर तिरपाल उरपाल लगाने का जरूरत नहीं है, पूरा ढक जाएगा महंगाई से पूरा पंडाल। महंगाई अब धरती पे नहीं है, महंगाई अब चांद में जला जा चुका है और इसका असर जहां लोग झोला भर भर के राशन लाते थे और सब्जियां लाते थे, अब वो प्लास्टिक के थैली में छोटा छोटा थैली में सब्जियां और अनाज लेके आते हैं। आने वाला समय क्या होगा नहीं होगा कहना नहीं, कह नहीं सकते। वैश्विक महामारी भी है, किसका बहाना किसके ऊपर मर दिया जाएगा कोई ठीक नहीं। आज आप लोगों ने देखा कि एक महिला को हम लोगों ने कोरोना काल में उसके जो परिजन हैं वो मर गए, उसको 50,000 का अनुदान राशि सरकार ने दिया है और ये पहला ये घटना है। आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों में हाई कोर्ट राज्यों को पूछ रही है कि आप जो कोरोना काल में मारे गए उनको आप क्या मुआवजा दे रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। लेकिन झारखंड ये पहली सरकार है जो मुआवजा भी देना प्रारंभ कर चुकी है। ये तो इस मंच से हम लोगों ने दिया है, हम तो कई मंचों में गए हैं जहां मैंने अपने हाथों से कोरोना में मारे गए उनके आश्रित परिवारों को सहायता राशि दी। कैसे दिएगा, कमाने वाला भी चला गया साथ छोड़कर, महंगाई भी आसमान छू रहा है, बच्चे पढ़ेंगे कि पेट भरेंगे कि पढ़ाई करेंगे कि रोजगार करेंगे क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमने इस बार जो देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यमवर्गी छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है और जो बड़ी बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है उसकी तो चिंता नहीं है, उसको तो खैर 150 रुपया जेब से निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो स्कूल कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल में भी आप पेट्रोल में आधा पेट्रोल आधा किरासन तेल डाल के चलाते हैं और नतीजा कुछ दिन के बाद गाड़ी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे और संसाधन जैसे जैसे हमारा संसाधन बढ़ेगा उसके अनुरूप राज्य के लोगों को हम लोग राहत देने का काम करेंगे और जो भी हमारे संसाधन में आएगा वो राज्य के बीच में वितरण होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि खजाना खाली है
तो आखिर ये कहां से बांट रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि पूर्व की सरकार की तरह हम लोगों का ये मंशा नहीं कि राज्य को कर्ज के बोझ में लादे रहना। आज हम लोगों ने वित्त प्रबंधन करते हुए, नए रिसोर्स जनरेट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तैयार किए हैं, जहां आज सरकार को जो रेगुलर इनकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स यहां लगाया, जिसके माध्यम से मात्र 10 रुपए के टैक्स में आज 100-200 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो रही है। और आज के दिन से ही हम लोगों ने टोल टैक्स को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जहां बड़े पैमाने पर यहां पर माइंस मिनरल्स के माध्यम से जो ट्रकें हमारे सड़कें खराब करती है उनके सहयोग से एक बड़ा आय का सोर्स बनाने का और इस राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने का काम में हम लोग लगे हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जो नए रिफॉर्म्स के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, संसाधन भी जुटाएगी और राज्य में जन कल्याण कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।